गौतम मलिष्का के पुराने रिश्ते का होगा बड़ा खुलासा। और लक्ष्मी ने देख लिया गौतम को मलिष्का के साथ और ओके की लक्ष्मी आहाना एंड गौतम की शादी और लाएगी मलिष्का और गौतम के रिश्ते की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि मलिष्का और लक्ष्मी मंदिर से आहाना की कुल देवी की पूजा करके आ जाएंगे तभी शाम को अकेला गौतम ऋषि के घर आएगा जहाँ पर गौतम आहाना से मिलने के लिए नहीं बल्कि सबसे ज्यादा लक्ष्मी से मिलने के लिए आएगा। और गौतम जब लक्ष्मी से मिलेगा और लक्ष्मी गौतम को देखकर कहेगी कि गौतम आओ यहाँ बैठो, तुम अभी आना से नहीं मिले क्या? तब ये सुनकर गौतम कहेगा हाँ मैं मिल लिया हूँ लेकिन मुझे पता चला कि आप बेहोश हो गई थी और अब आप कैसी है। तब लक्ष्मी कहेगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी जब गौतम लक्ष्मी के साथ और समय बात करेगा उसी वक्त लक्ष्मी को गौतम के दिल में आहाना के लिए नहीं बल्कि उसके लिए प्यार है ऐसा एहसास हो जाएगा। लेकिन जब गौतम एंगेजमेंट और शादी से पहले मलिष्का से मिलेगा और मलिष्का के सामने जब गौतम अचानक से रोमांटिक हो जाएगा तभी गौतम को मलिष्का के साथ रोमांटिक होते हुए देख लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे जहाँ पर मलिष्का भी गौतम को कुछ नहीं कहेगी। तभी लक्ष्मी को गौतम और मलिष्का के अतीत में रिश्ते होने का एहसास हो जाएगा और सबसे बड़े रहस्य का खुलासा होगा कि कई साल पहले गौतम और मलिष्का का रिश्ता कॉलेज से हुआ करता था और दोनों एक जमाने में कपल थे। लेकिन सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा ऋषि ओबेरॉय ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मलिष्का सिर्फ पैसों के लिए ऋषि के साथ एक हो गई। लेकिन मलिष्का अपना सच्चा वाला प्यार और किसी से नहीं बल्कि गौतम से करती थी। और बड़ा खुलासा होगा कि गौतम ने आहाना को कहा था कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बीवी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, वो और कोई नहीं बल्कि मलिष्का ही थी। जहाँ पर मलिष्का ने कॉलेज के समय में किसी को पता ना चले ऐसे गौतम के साथ शादी कर ली थी और बाद में ऋषि के साथ पैसों वाला रिश्ता जोड़ने की वजह से मलिष्का ने गौतम के साथ तलाक ले लिया। और मलिष्का ने गौतम के साथ एक वादा किया और कहा कि जिस दिन ऋषि की प्रॉपर्टी पे मेरा हक हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आऊंगी। इसी वजह से सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि मलिष्का ऋषि के साथ जो प्यार वाला नाटक करती है वो सिर्फ एक दिखावा है। असल में मलिष्का ऋषि की प्रॉपर्टी की हजारों करोड़ की मालकिन बनना चाहती है। लेकिन जब आहाना और गौतम की शादी होने वाली होगी तभी उससे पहले जब गौतम और मलिष्का दोनों मिलेंगे और लक्ष्मी जब गौतम मलिष्का को एक साथ देख लेगी तभी लक्ष्मी आहाना और गौतम की शादी होने से पहले मलिष्का और गौतम के रिश्ते की असली सच्चाई सबके सामने ले आएगी। और लक्ष्मी के मलिष्का के खिलाफ बोलने की वजह से ऋषि मार देगा आहाना और गौतम की शादी के बीचों बीच लक्ष्मी को सोच से तमाचा और कहेगा हाउ डेयर यू लक्ष्मी, मेरी मलिष्का पर ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी ये सच है और मलिष्का तुम्हारे साथ शादी इसीलिए करना चाहती है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मलिष्का को दे दो और वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर हक मांग सके। और रही बात ऋषि प्यार की तो मलिष्का तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, उसने प्यार सिर्फ गौतम के साथ किया था। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और लेकिन यह मलिष्का गौतम के रिश्ते की असली सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं और लक्ष्मी को सबसे पहले मलिष्का की असली सच्चाई लानी चाहिए क्या फिर गौतम के और ऋषि की जोड़ी आपको किसके साथ पसंद है, मलिष्का के साथ या फिर लक्ष्मी के साथ, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।